कोई गहराई नहीं, यहाँ जबरदस्त हालात खराब है। मैं आया तो मैंने देखा है बड़ी बदबू है। एशिया की सबसे अच्छी कॉलोनी मानी जाती है विद्याधर नगर, आदमी विक्रम सिंह जी, हरिनारायण जी की शाला और तमाम लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबको एक बात कह सकता हूँ कि मुझे कल जब समस्या बताई गई मुझे पता नहीं था ये सामने डिपो, आज मैं डिपो के सामने खड़ा हूँ। पूरा वातावरण खराब हो रहा है, उससे बीमारियां फैल सकती है। सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है कि सरकार जमीनों का आवंटन फ्री में कर रही है, बड़ी बड़ी संस्थाओं से पैसे खाकर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीनें दे रहे हैं फ्री में। जयपुर के आसपास आज भी बहुत सरकारी जमीन पड़ी है। मैं राजस्थान की सरकार से निवेदन करूंगा, जयपुर के हार्ट विद्याधर नगर में ये जो कचरा डिपो है, इस कचरा डिपो को आप जल्दी से जल्दी जयपुर के बाहर जहाँ पर आबादी एरिया नहीं हो वहाँ पर शिफ्ट करें। यदि आप वहाँ पर शिफ्ट नहीं करते हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि आपको हम मजबूर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, कल पब्लिक खड़े होकर जब भी जनता यहाँ की तय कर लेगी मुझे बता देना, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन कांग्रेस पार्टी खड़े रहकर आपका डिपो बंद करवा देगी। यहाँ पर हम कचरा नहीं डालने देंगे। हमने आज तक जहाँ पर भी हमारी जरूरत पड़ी हम निकले हैं सड़क पर, जहाँ भी दर्द हो परेशानी हो तब मैंने लोगों से कहा है कि आप हमारे पास आए, हम आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे, आपकी आवाज में आवाज मिलाएंगे, आपकी आवाज को मजबूती देंगे और मजबूती देकर आपकी आवाज को हम सफलता के मुकाम तक पहुंचाएंगे। आज ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी वाजिब प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको भरोसा देता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है। और जब भी यहाँ के लोग तय कर लेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ सरकार की ड्यूटी बनती है। मैं नहीं चाहता जयपुर में टकराव हो, कहीं पर भी कांग्रेस चुनौती देकर और सरकार से टकराव करके किसी डिपो को हटाए, लेकिन यदि जयपुर की जनता बीमारी से मरेगी, महामारी फैलेगी, उसके बाद डिपो हटाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी, कोई भी महामारी फैली या बीमारी फैली तो उसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार होगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सेक्टर नंबर 6 और 2 की सब मुस्तैदों ने मास्क लगा रखा है और ये कचरा डिपो नयाखेड़ा से अम्बाबाड़ी से चौपाला बैनार रोड की 20 कॉलोनिया प्रताप जी को निवेदन करना और 10 बजे से यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे और इस सरकार के विधायक करना चाहते हैं। इस सरकार के जो विधायक हैं वो उनका हमने बहा करके वोट देने का काम किया, ताकत देने का काम किया, लेकिन पिछले 5 साल के सामने कचरा डिपो है, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की है। कचरे मुझे कोई पूरा खाली कर दिया इसको।